अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कृष्णा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? हाँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। अचानक एक बात बताओ तुम्हें, हुआ क्या था? अचानक से बेहोश हो गई तुम, क्या हुआ? बोलो, कुछ पूछ रहे हैं हम तुम। वो क्या कृष्णा, बताओ। कैसे बताएं, तुम समझ जाओ ना। कैसे बताएं, मतलब क्या हुआ तुम्हें? नहीं, हम ठीक हैं, पर वो क्या, वो बताओगे कुछ हमें? अच्छा, वो ठीक है, बताते हैं। कन्नौजी की मूर्ति का क्या मतलब? क्या हुआ? अरे इसका मतलब है, अरे गणपति जी का तुम दोनों के बीच में होने का वही मतलब है जैसे कि शिव और पार्वती जी के बीच में होने का इनका मतलब था, समझे ना? अरे आज के बने शिव पार्वती जी के घर एक छोटे से गणपति आने वाले हैं। बोलो, बधाई हो, बधाई हो। ये तो बहुत खुशी की बात है। बातें बोल रही है, सही है? दादी क्या करें, नाचे गाएं कैसे मनाएं हम अपनी खुशी? तुम्हें पता है तुमने कितनी खुशी दी हमें, और आज के बाद है ना कोई काम की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। कोई भी काम नहीं करोगे तुम, सब हम देखेंगे। हाथ से बस तुम इस बच्चे का और अपना ध्यान रखोगी कृष्णा, और हम है ना तुम दोनों को एक बहुत अच्छी लाइफ देंगे, हमेशा खुशियां भर देंगे तुम्हारे जीवन में, हर वो खुशी देंगे तुम्हें और हमारे इस आने वाले नन्हे मेहमान को जो तुम लोग डिजर्व करते हो। तुम्हें बस अपना ख्याल रखना है अब। दादी ये बेहोश हो गई थी, हम लोग इतना घबरा गए थे कि पता नहीं क्या हो गया, लेकिन जी तू पापा बनने वाला है और हम दादी। अरे इस खुशी में तो पूरे गांव को मिठाई बंटवानी चाहिए। अरे हमारे घर में हमारा परपोता आने वाला है, इस घर का वंश, हमारा राज दुलारा। अरे भाई राज दुलारा आए या राज दुलारी, हम तो कह रहे हैं कि मुलुक आंगन में ना खुशियां आने वाली हैं, हमरे पैर तो जमीन पर टिक ही नहीं रहे हैं। बहुत जीत बेटा, जीत बेटा। अब कृष्णा को तुम्हारे साथ की जरूरत ज्यादा होगी पहले से, उसका उसका अच्छे से ध्यान रखना है, बाकी हम तो तुम्हारे साथ है ही। जी बाबूजी। भले ही हमारी अथाह परीक्षा ली है महादेव, उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही रहा है। कष्ट के बाद आपने हमें खुशियों के साथ नवाजा है, जैसे आज हम इन खुशियों के साथ अपनी जिंदगी अच्छे से अपने परिवार के साथ काटना चाहते हैं। हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना महादेव। मोहब्बत में औरत को कोई हरा नहीं सकता, और नफरत में औरत से कोई जीत नहीं सकता। औरत जब बदला लेने पर आती है ना, तो शैतान भी कुर्सी पर बैठकर उससे नोट्स लेता है। छोड़ दिया था हमने तुम्हें, पर नहीं, तो
तुम पास नहीं आए। तुम्हारी सजा तो अभी बाकी है, पर इस बार ना कसम खाते हैं, अगर हमें हमारे रीत से किसी ने भी दूर करने के बारे में सोचा भी ना तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। गौरी, बस अब हमें इस सुकांत को जल्द से जल्द ठिकाने लगाना होगा। ये तुम क्या कर रही हो? गौरी, क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों है? कुछ नहीं दादी, वो भूल हो गई है बहुत घर पे, अच्छे से साफ सफाई नहीं हो रही ना आजकल, थोड़ी सी डस्टिंग कर रहे थे इसीलिए वहां पे बैठे हुए थे। आप सब लोग अचानक आ गए, हमें लगा था उन करके आएंगे। कृष्णा नजर नहीं आ रही, कृष्णा कहाँ है? अब क्या बोला डॉक्टर ने, सब ठीक तो है ना? कुछ चिंता करने वाली बात तो नहीं है? हाँ हाँ गौरी, कृष्णा बिल्कुल ठीक है और कुछ नहीं हुआ है कृष्णा को, बस थोड़ा सा प्यार का ओवरडोज। मतलब वो कृष्णा, तू ठीक है? हमारा मतलब है कि तू ठीक तो है ना? तू अचानक से बेहोश हो गई थी, घबरा गए थे हम, हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, सब तुझे लेकर अस्पताल चले गए, हम अकेले घर पे परेशान हो रहे थे, अभी बस तुझे कॉल करने वाले थे। तू ठीक तो है ना? आदेव का शुक्र है तू बिल्कुल ठीक है। केमिकल ने अपना काम तो किया था, ये बेहोश भी हुई थी तो फिर अब तक अपने पैरों पर कैसे खड़ी है? अब देखिए नथ दंगल प्ले पर टीवी से पहले।